कितनी गाड़ी हमारे पास आ जाए? 18 के आसपास थी। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ तक सब ब्रेजा ही ब्रेजा आपको देखने को मिल जाएगी। यूपी 32 भैया लखनऊ से हमारे पास आए हैं, कस्टमाइज वाला है। ये अपना वुडन पैनल जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है, लेक्साई के अंदर ही। ठीक है जी, ये एमपी नंबर गाड़ी है, बेसिकली मध्य प्रदेश, मतलब ऑल इंडिया कलेक्शन जो है आज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। भैया ने निप्पॉन का सिस्टम लगाया है और आगे पीछे हमने स्पीकर लगाए हैं इन्फिनिटी के। ये भी यूपी नंबर गाड़ी है, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, सेटिंग चल रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो अपने फ्लोर के ऊपर यहाँ पे फ्लोर के ऊपर डाई वाली फ्लोरिंग है। यहाँ पे अपने सीट कवर जो है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो यहाँ पे हो चुका है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो चेंज हो चुका है। तो ऑलमोस्ट इस वाली गाड़ी का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। दरवाजे वगैरह पैक हो चुके हैं, डोर हैंडल वगैरह यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ जो है वो लगाए जा चुके हैं। वेलकम बैक वंस अगेन, और आज हम खड़े हैं तिवारी कार एक्सेसरीज करोल बाग में। सबसे पहले मिलते हैं बिट्टू भाई से। बिट्टू भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। आज बहुत थके थके लग रहे हो। कितनी गाड़ी हमारे पास आ जाए? 18 के आसपास थी। 18 के आसपास बची है। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ तक सब ब्रेजा ही ब्रेजा आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक लाइनअप आपको दिखाने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट यहीं से करें? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस वाली कार में कौन सा वेरिएंट है? यूपी 32 भैया लखनऊ से हमारे पास आए हैं काम करवाने के लिए। लखनऊ नंबर अपनी गाड़ी। इस गाड़ी में हम काम कर सकते रूफ रैप हुआ है, डुअल टोन का काम है, अभी टेंशन में हुआ है। ठीक है भैया, सब वर्क वही रहने वाला है जो हम हर वीडियो में दिखाते हैं। इस वाली वीडियो में थोड़ा फटाफट से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। डैशबोर्ड किट लगा दिया जनरल मारुति का पार्ट 7 पीस में। ठीक है जी, 2800 रुपए के साथ। ठीक है, सिस्टम लगाया भैया का अनप्लग का। ठीक है जी, एक स्टीयरिंग चेंज हुआ, टॉप मॉडल 3500 रुपए का, सेम रेट में ना? सेम रेट। हाँ भैया, ठीक है। इनर हैंडल भी ने कैंसिल करवा दिया, अगर कोई लगवाते तो 900 रुपए का वो लग जाएगा। हाँ जी, सीट का लगाया फुल थाई सपोर्ट के साथ बकेट के अंदर। ये इस पे भी काम जो है वो चल रहा है, आप चेक कर सकते हो कैसे कुछ अपना ये रहने वाला है। फ्लोरिंग वगैरह भी हुई है? हाँ, फ्लोरिंग हुई है क्रोकोडाइल। ये आप फ्लोरिंग जो है वो चेक कर सकते हो, क्रोकोडाइल फिनिश के साथ ये रहने वाली है। आर्मरेस्ट लगा 2800 रुपए का। ठीक है, बाकी भैया इसके अंदर रिफ्लेक्टर लगेगा अभी, चले भैया रिफ्लेक्टर भी वर्किंग चल रही है। ठीक है। हाँ जी, इसके बाकी और सारा काम है इसके अंदर, मतलब अभी तो काम इसमें जो है वो चल ही रहा है ना? बिल्कुल। ठीक है जी, बाकी सेकंड कार देख लेते हैं अपनी, रेड कलर की। ये कहाँ से आई है? वाली है, ये यूपी की गाड़ी है भैया। ठीक है, इसमें सीट को अभी कस्टमाइज हो रहे बन रहे हैं, तो अभी तो यहाँ बिफोर लुक आप चेक कर लीजिए। इसके सब पार्ट पेंट पे गया हुआ है, जैसे हम एक वीडियो हमने और बनाई थी सेम पेंट पे गया हुआ है। ठीक है, इसमें बाकी जो हो रहा है वो एक रूफ टेपिंग हो रही है, एविडेंशन वाली। ठीक है जी। ठीक है भैया, बाकी फॉग लाइट एंड्रॉइड लगा है, स्पीकर JBL के लगे हैं। तो ये JBL की सीरीज फ्रंट डोर में कंपोनेंट और रियर डोर के अंदर क्वाइजल स्पीकर जो है वो आपको मैं एक बार चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, बॉक्सेस जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके अलावा तो भाई स्टीयरिंग ऑलरेडी चेंज हो चुका है हमारा। ठीक है, बाकी इसका आप आगे आगे तो फॉग लाइट पे वर्किंग चल रही है। फॉल्ट भी कंपनी से लगा हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, स्किड प्लेट काम हुआ है। ठीक है, 1800 रुपए आगे पीछे ये यहाँ पे लग चुकी है। ये फ्रंट वाली है, रियर वाली में भी सेम आपको देखने को मिल जाएगी। की ये अपनी तीसरी गाड़ी आ चुकी है वाइट कलर के साथ। हमने इसमें मिंडा की फॉग लाइट ये आप देख सकते हो, उसमें LED लगा दिया है। ठीक है, हेडलाइट में LED लगा दी भैया। कितने वॉट? 250 वॉट ऊपर नीचे 60 वॉट। ठीक है जी, अभी रेन वाइजर पे काम चलेगा इसके अंदर, मतलब सभी गाड़ी ऑलमोस्ट खुली हुई है ना? इसमें आप देखोगे कस्टमाइज वाला है। ये अपना वुडन पैनल जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है, इसको आप चेक कर सकते हो। हाँ जी। तो कंप्लीट यहाँ पे इस साइड में डैशबोर्ड के ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है, डोर पैनल्स के ऊपर। अभी यहाँ पे डैम्पिंग वगैरह आप चेक कर सकते हो, इस पर पैकिंग जो है स्टार्ट नहीं हुई है। स्पीकर्स कौन से मॉडल रहने वाले हैं? आगे मॉडल कंपोनेंट, पीछे मॉडल को एक्सेल, गोल्ड सीरीज की डैम्पिंग हुई है प्रॉपरली। ठीक है, ये ट्विटर आप इसका चेक कर सकते हैं कैसा कुछ रहने वाला है। और अपना वो क्या कहते हैं MN लाइट, MN K3 10 पीस वाली। ठीक है, तो भाई अब तक 3 गाड़ियाँ हो चुकी हैं, अब अगली भी चलते हैं चौथी गाड़ी पे। और अगेन ये भी CNG वाली है। ये गाड़ी हाँ CNG रहेगी, LXI के अंदर ही। ठीक है जी, ये MP नंबर गाड़ी है, बेसिकली मध्य प्रदेश, मतलब ऑल इंडिया कलेक्शन जो है आज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। फॉग लाइट भी है मिंडा की। ठीक है हेलोजन लाइट रहने वाली है इसके अंदर 2200 रुपए के साथ, वही मिंडा वाला सेटअप जी। स्किड प्लेट आगे पीछे दोनों ये लग चुकी है 1800 रुपए कॉस्ट में, आगे और पीछे दोनों लगाई गई है। बिल्कुल, ठीक है। साथ में 15 आएंगे तो इसके डैशबोर्ड किट पे पूरा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये ओरिजिनल वाली जो है, इसमें कस्टमाइज नहीं है बेसिकली। हाँ जी, इनर हैंडल 900 रुपए का, ये आप चेक कर सकते हो, ये लगा हुआ क्रोम वाला। फ्लोरिंग हो गई है डाई वाली फ्लोरिंग, सीट कवर लग गया है, आर्मरेस लग गया है। ठीक है, फ्रंट रियर दोनों USB लग गई है अपनी गाड़ी के अंदर, तो आप यहाँ पे फ्रंट जो है वो चेक कर सकते हो, रियर में भी लगाई गई है। हाँ जी, वो फ्रंट वाली 1200 और रियर वाली 1500 रुपए का। सनग्लास होल्डर लग गया अपना, ये भी जेन्युइन है। हाँ जी, जेन्युइन 3300। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो यानी निप्पॉन का सिस्टम लगाया है और आगे पीछे हमने स्पीकर लगाए हैं इन्फिनिटी के। तो निप्पॉन वाले कितनी वारंटी देते हैं भाई? एक साल की वारंटी आती है। तो ये मैट ब्लैक इसका फ्रेम लगाया है। अच्छा, ये कस्टमर चॉइस के ऊपर? कस्टमर चॉइस के ऊपर, बिल्कुल। स्टीयरिंग मैंने चेंज करवाया 3500 रुपए का, वही जो सेम हम लगाते हैं। टॉप मेरे वाला स्टीयरिंग व्हील, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, साथ में अपनी चौथी हो गई, अब चलते भी अपनी पांचवी।
ये भी यूपी नंबर गाड़ी है, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, बस सेटिंग चल रही है। ठीक है, इसमें जो काम हुआ है फॉग लाइट मिंडा की। हाँ जी ठीक है, इसमें एलईडी है, ऊपर हेलोजन है, साथ में स्किड प्लेट है 1800 रुपए का। ठीक है, तो कॉमन एक्सेसरीज हो गई है ना। फॉग लाइट गार्निश लगाइए 650 लेस 20% ऑफ। ठीक है हाँ जी, ऑफ का वही ध्यान रखना जो हम लोग पुरानी वीडियो में बताते रहे, थोड़ा सा फटाफट कर रहे हैं। मारुति का पार्ट है। ठीक है जी, ठीक है, विंडो फ्रेम किट लगा दी है, साइड बिडिंग लगा दी है, ये तीनों भी अपने 20% ऑफ ऑफ वाले पार्ट है। 2250 2250 2250 ऊपर रूफ रेल जो है वो लगाई गई है सिलिकॉन पेस्टिंग के साथ। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिए, इधर आप आओगे तो इधर आपका डैशबोर्ड किट लग गया है, ये भी यहाँ पे, ये कंप्लीट जो है 7 पीसेज वाली डैशबोर्ड किट यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपने फ्लोर के ऊपर यहाँ पे फ्लोर के ऊपर डाई वाली फ्लोरिंग है, यहाँ पे अपने सीट कवर जो है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं, म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो यहाँ पे हो चुका है, स्टीयरिंग व्हील जो है वो चेंज हो चुका है। तो ऑलमोस्ट इस वाली गाड़ी का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, दरवाजे वगैरह पैक हो चुके हैं, डोर हैंडल वगैरह यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ जो है वो लगाए जा चुके हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ब्रेजा की अपनी जो वेलकम प्लेट है वो स्कफ प्लेट जो कही जाती है वो भी इंस्टॉल करी जा चुकी है। इसकी कॉस्टिंग अपनी 2400 रुपीज़ की रहती है आफ्टर डिस्काउंट। रियर में देखेंगे तो यहाँ पे रियर की जो स्किड प्लेट है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है, और फ्रंट और बैक दोनों मिलाकर 1800 रुपये की कॉस्ट में लगती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर भी इंस्टॉल किए गए हैं और कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। रियर सीट पे भी काम चल रहा है, इसमें भी अपने जो हेडरेस्ट हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये हेडरेस्ट प्रॉपर जो है वो लग चुके हैं अपने, अब वो फिट हो जाता है फिर आपको वो भी चेकआउट करवा देते हैं। बाकी ग्रे वाली के बाद दूसरी अपनी इस वाली गाड़ी की बात करते हैं, ये व्हाइट कलर में है, बिटो वाइस में कुछ काम हो रहा है, ये भी इसकी सेपरेट वीडियो आएगी, इसको इसमें कवर नहीं करेंगे, इसके अलग ही वीडियो देंगे गाड़ी का। ठीक है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा लेवल काम है, एक्स्ट्रा लेवल का काम है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी हमारी ये हरियाणा नंबर गाड़ी है। ठीक है, इसका भी काम स्टार्ट होगा, अभी काम कुछ स्टार्ट नहीं हुआ इसमें, बेसिकली एंड्रॉइड कैमरा, स्पीकर्स, स्टीयरिंग, डैशबोर्ड किट, इनर हैंडल, हेडलाइट में एलईडी, फॉग लाइट तो लगी है भैया की, ये कुछ काम होगा गाड़ी का, मतलब अंडर 50 के। हां 50 के क्या। ठीक है, तीसरा अपनी गाड़ी एक ये रहने वाली आगे की। ठीक है, इसमें भी काम हो ऑलमोस्ट हो चुका है, हेडलाइट में एलईडी, 250 वॉट की जिमर की। ठीक है जी, ठीक है भैया, अंदर आप आओगे तो अंदर भैया की गाड़ी में काम हुआ है, इसके सीट कवर पे, सीट कवर पे काम हुआ है भैया, तो यहाँ पे आप इसके सीट कवर्स भी चेक कर लीजिए, फुल बकेट में सीट कवर्स फोर इंस्टॉल किए जा चुके हैं थाई सपोर्ट के साथ। ठीक है, डैशबोर्ड किट पे वर्किंग हुई है, ये लग चुकी है 7 पीसेज वाली, इनर हैंडल 900 रुपए। ठीक है जी, ठीक है भैया, स्टीयरिंग चेंज हो गया 3500 रुपए, ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, ऑलमोस्ट सभी गाड़ी में एंड्रॉइड डैप्स का 232 भी रैपर कार्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो भी लगा, कनेक्ट भी किया हुआ है, ये कार्प्ले कनेक्ट है और अपना मैप जो है वो भी ऑन है यहाँ पे, आमरेस जनरल मारुति का पार्ट। ठीक है, पीछे हेडरेस्ट ये आप यहाँ पे देख लीजिए 1200 में। ठीक है, ठीक है भैया, ये सारा बेसिक, तो इसका तो काम ऐसा कंप्लीट है, कंप्लीट है, गाड़ी जा रही है, बिलिंग हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलेंगे तो अपनी ये वाली गाड़ी है, इसमें काम अभी स्टार्ट ही हुआ है, बेसिकली एंड्रॉइड कैमरा कंपोनेंट क्विक्सेल डैशबोर्ड किट ये सब काम होगा इस गाड़ी में, सीट पर फ्लोरिंग पे काम होगा। तो भाई अभी गाड़ियों में ज़्यादातर काम जो है वो चल ही रहा है क्योंकि अभी 2 दिन के 3 बज रहे हैं ना अराउंड। बिल्कुल ठीक है, ये गाड़ी अभी आई है, भैया अभी बात कर रहे हैं क्या करवाना है, क्योंकि 4-5 गाड़ी में भेज दी है। ठीक है, जो जहाँ जहाँ फिलिंग हुई नई गाड़ी यहाँ पे फिलिंग, मतलब ये वो वाला स्पॉट है जहाँ पे अभी गाड़ी जा करके नई गाड़ी लग गई है। इसके अलावा किधर आएंगे अब, ये ZX से रहने वाली है, इसमें जो काम हुआ अभी इसके रूफ रैप पे हुआ है सबसे पहले। ठीक है, रिफ्लेक्टर पे वर्किंग हो रही है पीछे की तरफ, यहाँ पे रिफ्लेक्टर जो है, भैया बहुत देर से खड़े भैया अपने हाथ से काम करवा रहे हैं भाई। अच्छा, ये ऑनर है भाई। ठीक है जी, और एक इसमें अभी आमरेस लगेगा, अभी आधे घंटे में गाड़ी चली जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ZX ही वेरिएंट था ना, तो अपना ये ZX ही है, होपफुली 10-15 मिनट चली जाएगी गाड़ी। ठीक है, एक हमारी ये गाड़ी रहने वाली है, इसमें भी अपना अगेन 4 नंबर। हाँ जी, हेडलाइट में एलईडी, फॉग लाइट में एलईडी। ठीक है, ठीक है भैया, इसमें आपको अल्टीमेट लेवल का काम मिलने वाला है, यही वही गाड़ी जो मैं ढूंढ रहा था, इसमें 360 मिलेगा। ठीक है भैया, डैशबोर्ड किट मिलेगा, डैम्पिंग प्रॉपर मिलेगी, एम्बियंस लाइट मिलेगी, आगे रेफरेंस कंपोनेंट, पीछे रेफरेंस क्विक्सेल, काम मिलेगा इस गाड़ी के लिए, ये गाड़ी होगी। क्या बजट होगा इस वाली गाड़ी का? इसका 1 के आसपास होगा, 1 के आसपास ना, तो गाड़ी के अंदर सारी सीटें वगैरह जो है वो निकली हुई है, सीट कवर भैया कंपनी से लगवा के निकले, लगवा गए थे वो छोड़ देंगे। ठीक है, स्पीकर वगैरह भी लगे नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो इसका काम अभी होना है, गोल्ड सीरीज वाली डैम्पिंग जो है वो लग रही है। कितने सीट लगा रहे हो बिट्टू? 8 सीट डैम्पिंग जो है वो रहने वाली है, तो इसमें काम होने देते हैं, इसको लास्ट में कवर करेंगे। एक अपनी ZX आई थी भैया, ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले हेडलाइट चेंज किया है, हेडलाइट चेंज लेके भी हेडलाइट टूटी हुई थी भैया, सिंगल पीस हेडलाइट लगा के दी है, मतलब आपने एज एन पार्ट भी दे दिया है ना। दे दिया, हमारा आता नहीं लेकिन दे दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, साथ में अब एक हॉर्न लगा है इसके अंदर। हाँ जी ठीक है, डैम्पिंग में वर्किंग चल रही है, गोल्ड सीरीज की अपनी, वही सेम जो इसमें लग रही है। हाँ, साथ में अभी यही काम है मोटा मोटी। ठीक, मतलब मेन हेडलाइट का काम किया है। एक ये गाड़ी रहने वाली है, तो भाई नंबर तो मैं भूल गया, कौन से नंबर की गाड़ी है? इसमें भैया फॉग लाइट में वर्किंग हुई है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, हेडलाइट में एलईडी, स्किड प्लेट, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बाकी अंदर इसके रूफ में वर्किंग हुई है, अंदर फ्लोरिंग में वर्किंग हुई है,
मतलब मोस्टली काम जो है वो दिखा रहा हूँ मैं, जो कि दिख रहा है हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि पर्ची देखनी पड़ती है उसके लिए कि क्या क्या काम किया है। एक ही गाड़ी आई है अब, इसमें भी जो काम होगा मुझे भी नहीं पता, अभी अपग्रेड आएगा इसका। ठीक है, अभी इसमें काम डिसाइड होना बाकी है। तो यही सब गाड़ियाँ थी अभी तक, बाकी जो जा चुकी है उनका काम जो है चला गया उसके लिए। सॉरी, 9 बजे आए थे वो चले गए। ठीक है, तो अब उसको कंप्लीट होने देते हैं। रुके हुए हैं और 3 बज रहे हैं इस टाइम पे। मोस्टली गाड़ी एक एक घंटे में जाती जाएगी, फ्री होती जाएगी। ठीक, A few moments later. दोस्तों अपनी गाड़ियाँ जो है वो ऑलमोस्ट जा चुकी हैं, सबका काम कंप्लीट हो चुका है। एक दो इक्का दुक्का गाड़ियाँ जो है वो बची हुई हैं। चार बची हुई हैं। तो ये MP नंबर वाली गाड़ी की हम बात करने वाले हैं। हाँ जी भैया। तो क्या क्या हुआ है इस वाली कार के अंदर? इसमें भी सबसे पहले मिंडा की फॉग लाइट। ठीक है विद रिले वायरिंग 2200 रुपए का आता है। प्रॉपर कॉस्टिंग भी आपको बता देते हैं। फॉग लाइट की गाड़ी 650 प्लस 20% ऑफ, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। स्किड प्लेट आगे पीछे का भैया 800 डिस्काउंट 1800 रुपए का पड़ता है। तो ये आप देख लीजिए, ये फ्रंट व्यू आपको मैंने चेक करवा दिया, रियर में चलेंगे वो भी आपको दिखा देंगे। साथ में ग्रिल गार्निश भी 690 इसके हमारे 20% ऑफ। ये वाली गार्निश ये आप चेक कर लीजिए, इसके ऊपर भी आपको ऑफ जो है वो मिलने वाला है। बिल्कुल, तो सामने से ये अपडेट रहने वाला है। आप चाहो तो LED में भी अपडेट करवा सकते हो इसके हेडलाइट के अंदर। बिल्कुल, साथ में रेंज रोवर कॉम्प्लीमेंट्री भैया ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। व्हील आर स्लाइडिंग जनरल मारुति का पार्ट है, 2390 लेस 20% ऑफ। और एक ग्रे कलर है भैया ये? हाँ जी, ये सिल्वर है बेसिकली, अभी थोड़ा शाम हो गया ना आपको लग रहा है। अच्छा, डार्क सिल्वर आता है ये। ठीक है जी। साथ में भैया ORM चेंज हुआ है गाड़ी का, तो टॉप वेरिएंट वाला लगा दिया। टॉप वेरिएंट अगर आप देखोगे तो गाड़ी लॉक, मिरर फोल्ड, तो मिरर पे ये बटन प्रेस करते ही अपना लॉक है और यहाँ पे अनफोल्ड जो है वो हो रहा है, प्रॉपर वर्किंग है। अंदर इसका प्रॉपर एक स्विच लगाया गया है और ये आप देख सकते हो अपना, जिस तरीके से आपको अपर वेरिएंट में कंपनी ऑफर करती है सेम वही रहने वाला है। और फंक्शनलिटी भी बिल्कुल सेम आपको ये देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। ये 10800 का था विद इंसोलेशन कंप्लीट, 10000 सारा काम, इंसोलेशन 10800 का। ठीक है, साथ में रेन वाइजर लगाया गया, जनरल मारुति का पार्ट है, ये भी आप चेक कर सकते हो अपना, क्रोम लाइन रहने वाला है। साथ में विंडो फ्रेम किट ओरिजिनल, ये आफ्टर मार्केट भी लगवाई हुई थी पहले से। ठीक है, साइड बिटिंग लगाया ओरिजिनल माउंटेन वाला, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और ये माउंटेन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में अंदर की तरफ जाएंगे तो गाड़ी में भैया लगाया है 7 पीस का डैशबोर्ड किट ओरिजिनल मारुति का पार्ट। तो ये तो ऑलमोस्ट सुबह से मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखा रहे 2800 रुपये का आता है विद इंस्टॉलेशन 7 पीस का। ठीक है जी। ठीक है, इनर हैंडल 900 रुपये का, ये देख लीजिए आप, चारों चेंज हो चुके हैं जी। स्टीयरिंग 3500 रुपये का टॉप मॉडल वाला, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, आज तो सभी गाड़ियों में स्टीयरिंग जो चेंज था लगभग 12-13 गाड़ी में। ठीक है जी, एक मिनट जी बिट्टू भाई, इसके बाद क्या लगाया आपने? साथ में भैया K3 10 पीसेस वाली, तो ये 4 पीस आपको डैशबोर्ड के ऊपर जो है, तो 4 पीस आपको, हाँ भैया, तो 4 पीस आपको यहाँ पे जो दरवाजे हैं वो देखने को मिल जाएगा, 2 पीस आपको डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगा और 4 पीस आपको फुटवेल्स में जो है वो मिलने वाला है। यहाँ पे आप चेक कर सकते, 10 पीस में रहने वाली है। हाँ जी भैया। साथ में फ्रंट USB ओरिजिनल मारुति का पार्ट, ये आप यहाँ पे देख लीजिए, 1200 रुपये। ठीक है, आर्मरेस 2800 रुपये। ठीक है जी, रियर USB 1500 रुपये, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, चार्जिंग का काम चल रहा है उसका। हाँ जी। साथ में सीट कवर भी है फुल थाई सपोर्ट के साथ, एक्स्ट्रा बकेट आपको वहाँ पे थाई सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। लाइफ गारंटी वाला, एक फ्लोरिंग भी है क्रोकोडाइल वाली, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में काम जो है होता ही है। सनग्लास होल्डर अपना, ये भी जर्मन जो है वो रहने वाला है, और फिनिशिंग इसकी परफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी, आपको यहाँ पे चेक कर लीजिए। साथ में भैया गाड़ी में प्रॉपरली डबल लेयर डैम्पिंग हुई है। ठीक है, आगे हमने लगाए थे हरमन के कॉम्पोनेंट, पीछे हरमन को एक्सेल। साथ में बैक साइड में आप आओगे, बैक साइड में रियर स्किड प्लेट, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सिल्वर कलर में रहने वाली है, एंड अपना रियर में रिफ्लेक्टर और रियर गार्ड, रियर गार्ड जो है वो एल्युमिनियम वाला यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, रियर मिड गार्निश है, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस पर 20% ऑफ जो है वो मिलने वाला है। कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा रूफ रेल अपनी प्रॉपर सिलिकॉन पेस्ट है, तो ये अपनी रूफ रेल यहाँ पे लग चुकी है, ये आप चेक कर सकते हो। ये सारा काम जो है इस वाली कार के अंदर किया गया था, और MP से हमारे पास ये गाड़ी जो है वो आई हुई थी। एक चाबी बनाई हुई है फ्लिप की, ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, कितने रुपये में? 500 रुपये की कॉस्ट में। ये भी काम भैया का सिस्टम में लगाया था, निपोन का लगाया था, निपोन 9 प्रो। अच्छा हाँ, ये तो वाली गाड़ी थी, मैट वाला सिस्टम लगा हुआ था। ठीक है जी, वही गाड़ी है। इसके अलावा दोस्तों अपने पास एक और गाड़ी ऐड हो चुकी है, जो कि अपनी रेड कलर के साथ है, और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त अपडेट जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। आप चेक कर सकते हो अपने सामने कैसी कुछ कंडीशन रहने वाली है, व्हील्स जो है वो चेंज किए जा रहे हैं, अपने एलॉय व्हील्स जो है उसका अपडेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे अपनी जो फ्लोरिंग का काम जो है वो चल रहा है, डाई वाले अपनी फ्लोरिंग लगा रहे हैं, आर्मरेस लग चुका है, स्टीयरिंग व्हील जो है चेंज हो चुका है, कंप्लीट जो पैनल्स हैं वो खुले हुए हैं। इस वाली कार के अंदर इंटीरियर वर्क जो है वो भी देखने को आपको मिल जाएगा। स्पीकर जो है वो JBL के यहाँ पे रहने वाले हैं, फ्रंट डोर में कंपोनेंट स्पीकर्स हैं, रियर डोर के अपने कोएक्सियल स्पीकर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। अब
इंटीरियर वर्क जो है वो रहने वाला है, उसकी हम बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पैनल्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे रेडी किए जा चुके हैं, रेड इंसर्ट के साथ कंप्लीट वर्क जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो इसके साथ अपना जो है, अरे वाह, मतलब रेड एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ये आप चेक कर सकते हो। इसके ऊपर अपनी जो एम्बिएंट लाइट है वो भी रहने वाली है। तो ये सारा काम जो है इस वाली कार के अंदर किया जा रहा है। डैशबोर्ड वाला पीस जो है वो भी तैयार हो जाएगा। अभी इस वाली रेड वाली कार के अंदर जो है गाड़ी के अंदर जो इंस्टॉलेशन है वो जारी है। कोशिश करूंगा इसके लिए आपके लिए एक इंडिविजुअल जो वीडियो है वो आपके लिए कवर करूं। बाकी इस वीडियो में हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। सारा कुछ काम जो है हुआ है वो किया गया है अपना तिवारी कार डेकोर करोल बाग में। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।